मोहम्मद कामरान, इनका सवाल है, क्या मियां बीवी लाइट ऑन करके हम बिस्तर हो सकते हैं? इस पर उन्हें कोई गुनाह तो नहीं? मेरे सवाल का ज़रूर जवाब दीजिए। देखें, मियां बीवी का लाइट ऑन करके मिलना, हम बिस्तर होना बिल्कुल जायज़ है, इस पर उन्हें कोई गुनाह नहीं है। इसी से रिलेटेड एक दो और सवाल भी हैं जो कि व्हाट्सएप पर पूछे जाते हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या शौहर और बीवी एक दूसरे के जिस्म को देख सकते हैं, देखना जायज़ है? तो देखिए, इस हवाले से समझ लीजिए, जहाँ तक शरई मसले की बात है तो शौहर और बीवी का एक दूसरे के जिस्म को देखना जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन जहाँ तक तकवा और परहेजगारी की बात है तो फिर हमें इस अहादीस को देखना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, आप इरशाद फरमाती हैं, हदीस का मफहूम है कि अल्लाह की कसम, न कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी शर्मगाह को देखा और ना मैंने कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह को देखा। तो ये तकवा और परहेजगारी है। जहाँ तक शरई मसले की बात है तो शौहर और बीवी का एक दूसरे के जिस्म को देखना बिल्कुल जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। और एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि क्या दिन में मियाँ बीवी मिल सकते हैं, दिन में मियाँ बीवी का मिलना जायज़ है या नहीं? तो बिल्कुल जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है। बल्कि इसकी दलील में एक हदीस मौजूद है, हदीस का मफहूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई औरत नफिल रोज़ा रखने का इरादा करे और उसका शौहर घर में मौजूद हो तो उस औरत को चाहिए कि वह अपने शौहर से इजाज़त तलब करे। वजह उसकी यह है कि हो सकता है उसके शौहर को ख्वाहिश हो और वो रोज़े की हालत में हो, तो इसलिए औरत को हुक्म है कि वो नफली रोज़ा रखने से पहले अपने शौहर की इजाज़त तलब करे। तो इस अहादीस से मालूम हो रहा है कि दिन में भी मियाँ बीवी का मिलना जायज़ है, इस पर उन्हें कोई गुनाह नहीं है। ये दो तीन सवाल थे जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरई मसाइल जानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।